हाय ऑल, वेलकम टू पामस बुटीक। आज के इस वीडियो में हम फैब्रिक पर कुर्ती की कटिंग सीखेंगे और मेजरमेंट जो है वो हम ये वाले यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये है कॉटन का कपड़ा जिस पर हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। कुर्ती में सबसे ज़्यादा चौड़ाई जो वो होती है वो घेरे में होती है। तो ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग 12.5 एक्यूरेट घेरा है, उसमें 2 इंचज़ और प्लस करूँगी मैं। 14.5 लेके मैं इस कपड़े को फोल्ड कर दूंगी। तो इस तरह से 14.5 मेजर करके मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया है और एक चौक का निशान भी लगा दिया है। अब हमें पता चल गया है कि कपड़े की चौड़ाई कितनी लेनी है। तो और लंबाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुर्ते की लेंथ जो रेडी है वो 40 इंचज़ है। तो 40 में मैंने 2 इंचज़ और प्लस करा है और 42 इंचज़ मैंने उसको लेना है लेंथ को। तो एक लेंथ प्लस दूसरी लेंथ, इस तरह से हम दो लेंथ कपड़ा लेंगे, यानी कि 84 इंचज़ लंबा कपड़ा। तो कुर्ती के लिए 84x29 कपड़ा चाहिए। चलिए अब इसकी कटिंग कर देते हैं। लंबाई और चौड़ाई दोनों को कट कर देंगे और फिर उसके बाद इसे फोल्ड कर देंगे। तो हमें मिल जाएगी 4 तह मिल जाएगी हमें कुर्ती के लिए। इसमें 2 तह हम फ्रंट पार्ट के लिए यूज़ करेंगे और 2 तह हम बैक पार्ट के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने पर हम इजीली बैक और फ्रंट दोनों को अलग कर सकते हैं नेक की जब हम कटिंग करेंगे। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद हम मेजर करेंगे कि ये हमारा 42 इंचज़ है या नहीं। तो इसको मेजर करके देखते हैं। ये देखिए 40 इंचज़ तो हमारा एक्यूरेट मतलब कुर्ते की लेंथ है और हमने स्टिचिंग मार्जिन वगैरह फोल्ड के लिए हमने एक्स्ट्रा 2 इंचज़ और लिया है, तो ये 42 हो गया। फोल्ड करने के बाद अब ये फोल्ड साइड से हम निशान लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे अक्रॉस बैक का निशान, क्योंकि छोटा गला बना रही हूँ इसलिए 7 इंचज़ तीरा लेऊंगी मैं और 7 इंचज़ ही मेरा आर्म होल डेप्थ होगी। ठीक है, तो ये 7 इंचज़ ले लिया और आर्म होल की लेंथ देखी हमने 7 इंचज़। इस पे हम एक निशान लगा लेंगे और इसी निशान पे हमारी चेस्ट लाइन आएगी। ये याद रखना है, इसी लाइन पे हमारी चेस्ट लाइन आएगी। 15 इंचज़ पे हमारी वेस्ट लाइन आएगी और 24 इंचज़ पे हमारी हिप लाइन आएगी। इसके बाद निशान लगाने के बाद हम स्केल से इन लाइंस पे एक सीधी सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हिप लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम वेस्ट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम चेस्ट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन ड्रॉ होने के बाद ही हम सारे मेजरमेंट्स जो चेस्ट और वेस्ट लाइन पे हिप लाइन पे आने चाहिए वो लगाएंगे। अब सबसे पहले अक्रॉस बैक 7 इंचज़ लिया था, तो चेस्ट लाइन पे भी 7 इंचज़ लेके हम एक निशान लगाएंगे और फिर उसके बाद इसको इन दोनों मार्क्स को आपस में मिला देंगे इस तरह से और ये सीधी लाइन मैंने ड्रॉ कर देनी है। अब इसके बाद चेस्ट लाइन पे चेस्ट का 4+0.5 इंच मेजर करके एक निशान लगाएंगे। मेरा 9.5 है तो ये निशान लग जाएगा। अब वेस्ट लाइन पे वेस्ट का 4+0.5 इंच, मेरी कैलकुलेशन 8.5 है, ये निशान लगेगा। इसके बाद हिप लाइन पे हिप का 4+0.5 इंच, मेरी कैलकुलेशन 10.5 है, ये निशान लग जाएगा। और अब चेस्ट, वेस्ट और हिप इन निशानों को आपस में तिरछा करके मिला देंगे। इनको मिलाने के बाद हम घेरे में भी मेजर करेंगे। हमारा 12.5 घेरा एक्यूरेट था, तो हम निशान लगाएंगे घेरे में सबसे नीचे 12.5 और फिर इस मार्क को भी हम
हिप लाइन वाले मार्क्स से इस तरह से मिला देंगे। अब इस तरह से मिलाने के बाद हम बॉटम में, कुर्ते की जो बॉटम है, घेरा है, वहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग मार्जिन, और हिप लाइन पे भी स्टिचिंग मार्जिन 1.5 इंच लेके इसको भी मिला देंगे। अब इसी तरह से वेस्ट लाइन पे भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और उसे हिप लाइन से मिला देंगे। इसी तरह चेस्ट लाइन पे भी 1.5 इंच लेंगे और स्टिचिंग का मार्जिन इसको मिला देंगे। तो ये हमारा स्टिचिंग का मार्जिन आ गया। अब इसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। गले के लिए उसकी चौड़ाई चेस्ट का 12.3 इंचेस, पीछे के गले की लंबाई 3 इंच चेस्ट का 12, और आगे के गले की लंबाई चेस्ट का 6 इंचेस। और यहाँ पर भी अब हम शेप दे देंगे। तो ये गले का निशान हो गया। इसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच और इस तरह से लाइन सीधी खींच देंगे। दोनों का सेंटर लेंगे आर्म होल का, और यहाँ पर भी सेंटर पॉइंट लेंगे और इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब हम अंदर की तरफ भी थोड़ी सी गोलाई देंगे। तो जो बाहर की गोलाई है वो बैक पार्ट की है और अंदर की फ्रंट पार्ट की। अब सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। मैंने आर्म होल से स्टार्ट किया है। नीचे घेरे तक हमें कटिंग करनी है। अब शोल्डर की कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद बैक नेक की कटिंग करेंगे। बैक नेक की कटिंग करने के बाद हम बैक का पार्ट अलग कर देंगे। कुर्ती का जो बैक का पार्ट है उसको अलग कर देंगे और उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की जो नेक है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने बैक पार्ट अलग कर दिया और फ्रंट पार्ट में हम अब पहले नेक की कटिंग कर देंगे और फिर उसके बाद हम आर्म होल की जो अंदर की साइड की शेप है उसकी कटिंग कर देंगे। अब हम आर्म होल के इस एरिया को गोलाई में मेजर कर लेते हैं। कितना है ये? ये है हमारा 10.5। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। अब हमारा बाकी का कपड़ा जो बचा है उसको मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारा बचा है 15 इंचेस, लेकिन हमें इतनी बड़ी स्लीव्स नहीं बनानी है। एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि जैसे हमने पूरा आर्म होल मेजर किया था तो वो था हमारा 10.5। देखिए दोबारा दिखा देती हूँ मैं। इस तरह से मेजर करेंगे तो ये 10.5 आ रहा है, लेकिन अगर हम एक मेजरमेंट और करें, जैसे ये शोल्डर पे हमारी सीम लाइन हो गई और साइड में हमारी ये वाली सीम लाइन हो गई, तो हम इन लाइन से स्टार्ट करके और साइड सीम की जो लाइन है वहाँ तक मेजर करें तो 8.5 आ रहा है। ठीक है, तो अब किस तरह से इस मेजरमेंट को यूज़ करेंगे वो देखते हैं। अब सबसे पहले मैं इस कपड़े को 4 फोल्ड करूँगी। देखिए पहले तो मैंने ये डबल फोल्ड कर दिया और इसके बाद मैंने इसको 1 फोल्ड और कर दूँगी, तो ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा हो जाएगा। तो अब क्या देखेंगे कि जो हमने आर्म होल मेजर किया था सबसे पहले तो वो 10.5 आ रहा था। ठीक है ना, तो 10.5 आ रहा था, तो अब हमारे ये कपड़े की चौड़ाई कितनी है? 10.5। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा इसमें यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे ऊपर स्केल लेके, क्योंकि ऊंचा नीचा कपड़ा हो जाता है, तो मैं पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक है, और उसके बाद इस लाइन से मैं मेजर करूँगी कि मुझे स्लीव कितनी लेनी है लंबी। तो मुझे
9.5 लेंथ की स्लीव लेनी है, उसमें मैं और ऐड कर दूंगी 1.5 इंच मैं इसमें और ऐड करके फिर मैं निशान लगाऊंगी, क्योंकि नीचे से फोल्ड भी होगी और ऊपर 1/2 इंच का ऊपर मार्जिन चाहिए। तो मैंने लेंथ ले ली है स्लीव की विद मार्जिन 11। तो इसको भी सीधा कर लेते हैं, ठीक है, और सीधा इसको कट कर देंगे। तो ये हमारी लेंथ हो गई 11 इंचेस, और 4 तह करके हमने स्लीव की चौड़ाई ले ली है। तो ये हमारा कपड़ा अलग आ गया है स्लीव के लिए। अब ऊपर की तरफ से चेस्ट का 12 मेजर करके निशान लगाऊंगी। अब ऊपर से इस तरह से गोलाई में धीरे धीरे नीचे आते हुए शेप दे देंगे। अब स्लीव की बॉटम का निशान लगाएंगे 6 इंचेस, क्योंकि 12 इंच है बॉटम, तो बॉटम का हाफ हो गया 6 इंचेस। आगे 1 या 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। अब हमें पता है येलो पॉइंट जो है वो बॉटम का है, लेकिन ये वाइट पॉइंट कैसे आया, ये किस तरह से आया, वो मैं आपको बताती हूँ। कि जो हमने चेस्ट का 12 स्लीव में सबसे पहले निशान लगाया था, उस निशान से हमें सीधा एक लाइन ड्रॉ करनी है, और उसी लाइन पे हमें 8.5 मेजर करना है, तिरछा मेजर करना है। 8.5 हम क्यों मेजर कर रहे हैं, आपको याद हो हमने जब आर्म होल मेजर किया था तब हमारा 8.5 आया था, और पहले जब मेजर किया था तो 10.5। तो 10.5 तो हमने कपड़ा लिया था चौड़ाई में, लेकिन सिलाई के लिए हमने 8.5 को ही निशान, मतलब 8.5 पे ही लगाना है, और वहीं से हमें इसकी सीम लगानी है, स्लीव की सीम लगानी है, ठीक है। अब 2 तह ऊपर करके सिर्फ 2 तह उठाएंगे और थोड़ा सा अंदर की तरफ कटिंग करेंगे। स्लीव का जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ तक ही हमें इसकी कटिंग करनी है। देखिए, ज़्यादा कट नहीं करेंगे, बस हल्का सा इस तरह से कट कर देंगे। तो स्लीव कट हो गई है हमारी। अब एक बार और आपको दिखा देती हूँ। पहले देखिए, ये यहाँ से ऐसे हमने मेजर किया, 8.5 आया, ठीक है। तो 8.5 हमें जो हम लाइन ये वाली ड्रॉ कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर 8.5 आना चाहिए तिरछा मेजर करके, ठीक है। और ये तिरछा मेजर करके 8.5 आएगा। अब आप इसको देख सकते हैं कि शोल्डर की सीम से लेके साइड सीम तक ये इस तरह से आप मेजर करके देखेंगे तो ये स्लीव जो है वो पूरी फिट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो अब हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। इसमें हम जो घेरा होता है कुर्ती में, उसको थोड़ा सा नीचे से कट कर देंगे, थोड़ी सी गोलाई में शेप देंगे किनारे पे। अगर नहीं देंगे तो हमारे जो कुर्ती है उसके किनारे जो हैं वो लटक जाएंगे साइड से, जो चाक होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हम 1/2 इंच इसकी कटिंग कर देंगे, तो ये अब लटकेंगे नहीं। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है, और ये हो गई हमारी स्लीव की कटिंग। आई होप ये आपको समझ आई होगी। थैंक यू, बाय बाय।